तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में भाई प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के भाई आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बस आप लोगों को इनके आंसर प्रिपेयर करके चले जाना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के, फिर आप इजिली पास आउट हो जाओगे। साथ ही साथ भाई वीडियो में एंड में मैं आप लोगों को भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो भी अच्छे से क्लियर कर दूँगा। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ छोटी सी इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मैंने एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज़ कह लो, इस जैसे और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ जो है बना रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर भाई आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट से भी चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। भाई बात कर लेते हैं अब यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में भाई आप लोगों के माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि हमें क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में किस टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। जो भाई अभी आपने वीडियो में जितने भी क्वेश्चन देखे सारे उसी टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएंगे, बट उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा, आप इजिली पास आउट हो जाओगे, ठीक है। बात करते हैं भाई यहाँ पे एक और डाउट की। यहाँ पे आप लोगों का डाउट आएगा कि एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन कितने आएंगे।
तो देखो भाई, एग्जाम में आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे। अगर 8 आएंगे तो आप लोगों को 4 करने होंगे, और 10 आएंगे तो आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने होंगे। हो सकता है कि भाई इंटरनल चॉइस भी आ जाए आप लोगों के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब भाई यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, गाइडलाइंस वगैरह भी लिखी होती है, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं तो ये भी पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि कितने आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे जैसे कि साफ साफ लिखा है अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे बताया गया, तो इस चीज़ को भी आप पहले क्वेश्चन पेपर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और डाउट उठता है भाई, बच्चे पूछते हैं हमें एग्ज़ाम जो है वो किस मीडियम में दे सकते हैं हम। बहुत से बच्चे कहते हैं हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम क्या इस सब्जेक्ट का हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। तो बिल्कुल भाई, आप साफ साफ क्वेश्चन पेपर पर भी लिखा है कि आप इस वाले एग्ज़ाम को किसी भी मीडियम में जो है अटैम्प्ट कर सकते हो, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। फिर वो मैटर नहीं करता कि आप कौन से मीडियम से हो और कौन सा एग्ज़ाम आपने कौन से मीडियम में दिया है, ठीक है ना। तो आप फ्री हो इस चीज़ के लिए कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम किसी भी मीडियम में दे सकते हो। बात करते हैं भाई यहाँ पे ड्यूरेशन की, कि आपको टाइम कितना मिलेगा अपना पेपर जो है सॉल्व करने के लिए। तो भाई यहाँ पे तो ड्यूरेशन 2 घंटे लिखा हुआ है, क्योंकि ये पुराना पेपर है, ठीक है, ऑनलाइन का पेपर है। तो भाई आप लोगों को जो घंटे मिलेंगे वो आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है ना, अभी तक के दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर का पेपर आएगा, तो भाई मोस्ट लाइकली आपके चांसेस है 75 नंबर का पेपर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमें 75 में से पास आउट होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 75 में से भाई पास आउट होने के लिए आप लोगों को 40% चाहिए, और 75 का भाई 40% जो हुआ आप लोगों का वो हुआ 30 नंबर, ठीक है ना। तो यानी कि 75 में से अगर आप 30 नंबर लाओगे तभी आप एक सब्जेक्ट में पास आउट होगे। ये एक सब्जेक्ट के पास आउट होने का क्राइटेरिया है। यहाँ पे भाई एक और छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा मैं आप लोगों को। देखो भाई, अगर आप आंसर लिखोगे तो प्लीज़ उसे पॉइंट वाइज जो है डिफाइन करना, अच्छे से पॉइंट वाइज जो है एक्सप्रेस करना अपने आंसर को। वो भाई बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे, मैं इस वजह से आप लोगों को समझा रहा हूँ। रीज़न किसी और वीडियो में बता दूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। फिलहाल आप मेरी बात मान के चलोगे तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।